बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं इंजीनियर इंसान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर इंसान 28। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा आपको, ये है कि आपका कारपेटेड एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, ग्राउंड एरिया क्या होता है, फिल्टर एरिया क्या होता है। इसको हम वन बाई वन डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो प्लिंथ एरिया जो हमारा आता है, प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया क्या होता है, वो एरिया जिसके ऊपर आपका बिल्डिंग बनता है, जिस जगह के ऊपर आपका बिल्डिंग बनता है, वो जगह जिसके ऊपर आपका बिल्डिंग बनता है उसको आप क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया। मतलब यहाँ पे इस वाले साइड में आप देख सकते हैं, या इस वाले साइड में, यहाँ सही है ना, इसमें जो रेड वाले वॉल्स है ना, रेड वाले, तो ये आपके क्या है, ये आपका प्लिंथ एरिया है, सही है ना। ये वाले वॉल जो आ रहे हैं इसको आप क्या कहते हैं, ये वाले जो वॉल आ रहे हैं, ये जो वॉल इस तरह है, ये ऐसा है, सही है ना। इसको आप क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया, जिस जगह के ऊपर आपका बिल्डिंग बनता है उसको आप क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया। इसके अंदर और बाहर एरिया आपका क्या हो गया, प्लिंथ एरिया। अब जिस जगह के ऊपर आपके वॉल्स आ रहे हैं, आपका बिल्डिंग्स बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया। मतलब जिधर आपके वॉशरूम बन रहे हैं, बेडरूम बन रहे हैं, लिविंग रूम बन रहे हैं, किचन बन रहे हैं, सही है ना। लेकिन इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, दीवार, अभी एक कमरा है, सही ना, ये भी कमरा है, इस कमरे का जो वॉल है ना, कमरे का वॉल, ये प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो वॉल है ना, ये इंक्लूड नहीं होगा, जो ग्राउंड के ऊपर होगा, जो ग्राउंड के ऊपर होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, ग्राउंड के ऊपर जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, सही है ना। और जो ग्राउंड के साथ होगा, इधर ग्राउंड के साथ ये जगह लगा हुआ है, दीवार इसके ऊपर आया हुआ है, यहाँ पे ऐसा इसके ऊपर दीवार आया हुआ है, यहाँ पर ऐसा दीवार आया हुआ है, जिस जगह के ऊपर दीवार आया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया। क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया। अभी जो ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है, ये हमारे पास क्या है, ये प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होगा, सही है ना, ठीक है, इंक्लूड नहीं होगा। जिस जगह के ऊपर आपके वॉल्स आ रहे हैं, जिस तरह आपका बिल्डिंग बनता है उसको आप क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया। यहाँ इसके ऊपर वॉल आएगा, इस जगह, जिस जगह के ऊपर आपके वॉल्स आते हैं या कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसको आप क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया। अब ग्राउंड से ऊपर जब जाएगा, दीवार स्टार्ट हो जाएगा या पिलर स्टार्ट हो जाएगा, जो जो भी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड, बिल्ट अप एरिया। द एरिया इन दिस इंक्लूड द एंटायर कार्पेटेड एरिया एंड पिलर्स, वॉल्स। It does not mean surface area, but the thickness of the interior wall within unit most of the अभी built up area, जो जगह आपके पास बन जाता है, सही है ना। ये अभी दीवार हो गए, इसमें pillars हो गए, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या कहता है, built up area, मतलब जो जगह बन गया है, अभी एक जगह है उसके ऊपर आप जो चीज़ बना रहे हैं। अभी plinth area से ये थोड़ा different है, इसमें आपके walls जो है वो include होंगे, सही है ना, आपके पिलर्स इंक्लूड होंगे, सही है ना। मतलब ये वॉल है, ये बिल्ट अप एरिया में आएगा, ये बिल्ट अप एरिया में आएगा, यहाँ पिलर्स आएंगे, फिर बिल्ट अप एरिया में होगा, यहाँ पे भी पिलर आएगा, यहाँ पे भी पिलर आएगा, यहाँ पर भी पिलर आएगा। मतलब जो चीज़ आपने बिल्ट किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, बिल्ट अप एरिया। मोस्ट ऑफ द टाइम 20% ऑफ सच बिल्ट अप एरिया कंस्ट्रक्ट होता है। यहाँ पर आप एक बात ये नोट कर लें कि ज़्यादातर 20% जो होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप कर सकते हैं, एरिया जो होता है इसमें वॉल होता है बिल्ट अप एरिया में। द बिल्ट अप एरिया आल्सो इंक्लूड ड्राई बालकोनीज, इसमें बालकोनी भी आपने बिल्ट किया हुआ है, तामीर किया हुआ है, तो ये भी आएगा। फ्लोर बेड, फ्लावर बेड, जहाँ पर आपने पूल वूल बिछाया है, बिल्ट अप किया है, इट कवर 10% ऑफ द बिल्ट अप एरिया। तो ये कितना परसेंट आएगा आपके पास, 10%, फ्लावर बेड्स, बालकोनी वगैरह। द टोटल यूजिबल एरिया इज अबाउट 70%। अभी इसमें यूजिबल एरिया क्या होगा बिल्ट अप एरिया में, रहरी बात है, आप जब एक एरिया तामीर करते हैं तो उसकी दीवार तो आपके पर्सनल यूज़ में नहीं है, यूज़ में नहीं आता ना,
आपका जस्ट दीवार ही बन जाता है। इनके रूम जो है सोने के लिए बनाते हैं, या बैठने के लिए कोई जगह बनाते हैं, या किचन पकाने के लिए बनाते हैं, लेकिन वो जगह जिधर आपके यूज़ में वो जगह है तो 70% यूज़ होगा। अभी नेक्स्ट में हम आपको सिखाएंगे कि कारपेटेड एरिया जैसे कि नाम से वाज़े हैं, वो एरिया जिस जगह पे कारपेट बिछाया जाता है। अभी जाहिर बात है रूम जो होता है ना, कारपेट कौन सी जगह पे लोग बिछा देते हैं, बेडरूम वाले रूम में, सही है, साथ साथ लिविंग रूम में, किचन में तो नहीं बिछाते ना, तो ये नहीं आएगा कारपेटेड एरिया में। बाथरूम भी नहीं आएगा, इसी तरह टेरेस भी नहीं आएगा, टेरेस बिलो ये नहीं आएगा, मतलब वो जगह नहीं आएगा जिस जगह पे कारपेट नहीं बिछाया जाता, उसमें वो जगह आएंगे जिस जगह आपके कारपेट बिछाए जाते हैं। इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द इनर वॉल। द कारपेट एरिया वुड इंक्लूड द एरिया ऑफ द रूम्स, लिविंग रूम्स, किचन्स, बाथरूम, बालकोनी एंड स्टेयरवेज। तेरी यही बात है, मतलब दीवार के अंदर जो हिस्सा है और आप उसी जगह, जो जगह पे आप कारपेट बिछाते हैं, तो उसी जगह को क्या कहते हैं, कारपेटेड एरिया, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट हमारे पास है कारपेट एरिया का भी पूरा डिटेल भी बताते हैं। यहाँ पर इस डिफिनेशन से, इस पॉइंट से आपका पॉइंट जो है कारपेट एरिया के भी क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, जो नंबर वन है, नंबर वन में क्या कहता है, नंबर वन में ये कहता है कि इट इज यूजफुल लाइवेबल एंड लेटेबल एरिया, मतलब जिधर आप रहते हैं जिस जगह के ऊपर, जो रूम है जिसे आप कारपेट बिछाते हैं उसको आप क्या कह रहे हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं जहरी बात है उस पर आप कारपेट बिछाते हैं ना। इट एक्सक्लूड द वॉल्स एरिया, इसमें वॉल्स इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सक्लूड द स्क्रोल, जहाँ पर आपका मूवमेंट होता है, मतलब आपका कॉरिडोर होता है, आपका पैसेज होता है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। नॉन लिवेबल एरिया लाइक किचन, वो जगह जिस पर आप, जिधर आप नहीं रहते, आप बेडरूम नहीं, वहाँ पर कोई चेयर मेयर नहीं बैठने के लिए, कारपेट नहीं बेचाते वो जगह पे, तो उसको उसमें वो एरिया इंक्लूड होता है। इन जनरली दिस एरिया विच लाइकली टू प्लेस कारपेट, फिर वही बात जैसा कि नाम से वाज़े है कि कारपेट जिस जगह पर बिछाया जाता है उसी जगह को क्या कहते हैं, कारपेटेड एरिया। इसमें एक बात आप इंस्टीट्यूट के लिए नोट कर सकते हैं, 50-65% क्लीन एरिया ऑफ रेजिडेंशियल एरिया आर कंसिडर एज कारपेटेड एरिया। पहले हमने बताया जिस जगह के ऊपर बिल्डिंग बनता है तो उसको आप क्या कहते हैं, क्लीन एरिया, तो उसी में 50-60% क्लीन एरिया जो रेजिडेंशियल होता है इसमें कितने परसेंट फिर वो होता है कारपेटेड एरिया, 60-75%, ठीक है ना। फ्लोर एरिया, अभी फ्लोर एरिया क्या होता है, जैसे कि नाम से वाज़े है, जितने फ्लोर्स है, ठीक है ना, चाहे वो किचन का फ्लोर्स है, चाहे वो रूम का फ्लोर्स है, चाहे वो बेडरूम का फ्लोर है, तो उन सबको आप क्या कहते हैं, फ्लोर एरिया। इसमें आप जब ऊपर वाले स्टोरी में जब चले जाएंगे तो स्टोरी वन में फ्लोर हो, जितने भी फ्लोर है, मतलब जिस जगह का फ्लोर है, और लिविंग रूम का फ्लोर है, बेडरूम का फ्लोर है, वॉशरूम का फ्लोर है, जितने आपके फ्लोर आते हैं, फर्श आते हैं जिसको हम फर्श कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोर एरिया। द फ्लोर एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ईच फ्लोर, सारा एरिया हर फ्लोर का ऑफ द बिल्डिंग मेजर टू द आउटर सरफेस ऑफ द आउटर वॉल्स इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ लॉबीज, मतलब यहाँ से लेकर आउटर सरफेस है, मतलब ये तो सारे फर्श ही है ना, एक ग्राउंड है ना, उसके ऊपर आपका पहनता है क्या नाम है, और अभी जिस जगह का फ्लोर है उसको आप क्या कहते हैं, ये अंदर से आप देख सकते हैं, ये भी फ्लोर है, ये भी फ्लोर है, ये भी फ्लोर है, ये भी फ्लोर है, ये पूरा का पूरा फ्लोर पे ही बिल्डिंग आया हुआ है। इसी तरह सेकंड स्टोरी का, थर्ड स्टोरी का, तो इसका मैं क्या, उसको क्या कहते हैं, फ्लोर एरिया, सही है ना। लेकिन सिर्फ इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगा, इसमें बालकनी इंक्लूड नहीं होगा फ्लोर एरिया में, ठीक है ना। वीडियो देखने को शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाइए।